इंदौर को 3 फ्लाइट की सौगात। इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट के लिए आज का दिन खास है। आज से नया विंटर शेड्यूल लागू हुआ है, जिसमें इंदौर से 3 नए शहरों प्रयागराज, जोधपुर और सूरत के लिए सीधी उड़ानें शुरू हुई हैं। एयरपोर्ट पर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल फ्लाइट का शुभारंभ किया। इस मौके पर वर्चुअली बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जुड़े। इस मौके पर इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने 3 मांगे उड़ान मंत्री के सामने रखी, जिसमें किसानों के लिए कार्गो सुविधा, इंदौर में बढ़ते फ्लाइट शेड्यूल को देखते हुए पार्किंग की सुविधा और पुरानी टर्मिनल को स्टेट हैंगर करने की मांग की। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि इंदौर और प्रयागराज दोनों ही धार्मिक नगरी हैं, साथ ही आर्थिक राजधानी होने से व्यापारिक मामलों में और तेजी आएगी। इसके साथ ही कुल 10 नई उड़ानें शुरू हो रही हैं। वहीं इंदौर एयरपोर्ट आज से एक बार फिर 24 घंटे के लिए खुला रहेगा। नए उड़ानों की शुरुआत सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा वर्चुअली दिल्ली से किया गया। विंटर शेड्यूल में इंदौर से 10 से ज्यादा नई उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। इसमें प्रयागराज, जोधपुर और सूरत के लिए सीधी उड़ानें शामिल हैं। इन शहरों के लिए अभी इंदौर से सीधी उड़ानें मौजूद नहीं थी। वहीं दिल्ली मुंबई जैसे शहरों के लिए भी नई उड़ानें शामिल हैं। इन उड़ानों के शुरू होने से इंदौर से उड़ानों की संख्या 72 से ज़्यादा नजर आ रही है, जो पहले 60 से भी कम थी। नई उड़ानों के शुरू होने से यात्रियों को ज़्यादा सुविधाएं और विकल्प मिल सकेंगे। आज माननीय मंत्री जी से 3 मांगे मैंने रखी है। एक तो हमारे किसान साथियों के लिए कार्गो, जो प्रिंसिपल गुड का कार्गो है, वो इंदौर में शुरू किया जाए, क्योंकि मालवा और निमाड़ में बहुत सारी किसानों की जो उत्पादन की वस्तुएं हैं वो एक्सपोर्ट होने की संभावना बहुत सारी है। और उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही हम इंदौर में प्रिंसिपल कार्गो की शुरुआत करेंगे। कि विमान की सेवाएं निरंतर जो मात्र 115 दिनों में जो ऐतिहासिक भारत में, मध्य प्रदेश में और इंदौर में जो सुविधाएं उन्होंने दी है, कि मैंने कहा ना कि ऐतिहासिक पल प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक हमारी धार्मिक और आस्था का स्थल, उसको दो धर्म की नगरी को जोड़ा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उसी के साथ मैंने कहा कि आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश के इंदौर, व्यापार के मामले में सूरत पूरे राष्ट्र में अपने आप में एक अलग से स्थान रखता है। कार से राजस्थान, जोधपुर पर्यटन और संस्कृति की नगरी है, इंदौर को उससे जोड़ा है।